हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शांति एक बहुत ही समझदार लड़की थी। उसे गांव में हर कोई जानता था। वो सबकी मदद करती थी। एक दिन शांति अपने घर में चूल्हे पर खाना बना रही होती है, तभी शांति के पास उसकी माँ पार्वती आती है और शांति से कहती है, शांति बिटिया, आज ही मुझे तेरे मनोज काका ने तेरे लिए एक रिश्ता बताया है। अम्मा तनिक हमारी बात भी सुन लो, हम आपको और इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। हमारी तो शादी इसी गांव में कर दो, शहर हमको रास नहीं आएगा, बता रहे हैं हम। अरे कब तक तू यहाँ रहेगी, मैं अकेली औरत कब तक तुझे अपने घर में बैठा कर रखूंगी। और रिश्ता बहुत ही अच्छा है, शहर के रहने वाले हैं, अच्छा नाम है, बड़ी कोठी है। अम्मा हमको कोठी से क्या लेना देना है, हम तो अपनी झोपड़ी में ही खुश हैं। आप मना कर दीजिए उन लोगों को, और हमको तो शादी ही नहीं करनी है, लेकिन आपको तो हमारी बात ही कहाँ माननी है। मैं लड़के वालों को मिलने के लिए बुला रही हूँ। अरे लड़के की माँ को गांव की लड़की ही चाहिए जो उसके घर को संभाल सके, और तू तो इतनी समझदार है, तू वहाँ पर सबका दिल जीत लेगी। अम्मा ये कोई बात है क्या, अरे घर तो शहर वाली भी संभाल ही लेती है ना। तू ना ज्यादा बहस मत कर, मैं जितना बोल रही हूँ तू बस उतना कर। अगर लड़का और उस लड़के के परिवार वाले मुझे अच्छे लगे तो मैं कुछ नहीं सोचूंगी और तेरी शादी कर दूंगी। अम्मा वैसे तो आप हमसे पूछ कर ही हर काम करती हो, और अब जब हमारी ही शादी हो रही है तो आप हमारी ही रजामंदी नहीं ले रही हो, ये क्या बात हुई। मैं तेरी कोई बात इसलिए ही नहीं सुन रही हूँ क्योंकि तेरी बात ही गलत है। अरे आज नहीं तो तेरी शादी तो करनी ही है, तो फिर अब जब इतना अच्छा रिश्ता मिला है तो अब क्यों नहीं। पार्वती शांति की बात को काट देती है, और जब लड़के वाले आते हैं तो उनके परिवार से मिलकर पार्वती को काफी अच्छा लगता है, इसीलिए वो अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देती है। दोनों ही परिवार की रजामंदी थी, इसीलिए जल्द से जल्द शांति की एक अभय नाम के लड़के से शादी हो जाती है। शादी के बाद शांति भी अपने ससुराल वालों के साथ शहर ही रहने आ जाती है। अगली सुबह जब शांति रसोई में खाना बनाने जाती है तो गैस सिलेंडर और चूल्हा देखकर शांति खुद से कहती है, चूल्हा तो हमने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया है, तो आज हम इस चूल्हे पर खाना कैसे बना सकती हूँ। और अगर आज पहले ही दिन माँ जी से ये पूछा कि इस चूल्हे पर खाना कैसे बनाते हैं, तो वो कहीं नाराज ना हो जाए और ये ना सोचे कि हमारी अम्मा ने हमको खाना बनाना भी नहीं सिखाया। शांति अपनी सास से कुछ भी पूछने में हिचकिचा रही थी और काफी देर तक रसोई में अकेले ही खड़ी रहती है। कुछ देर बाद जब वहाँ पर शांति की ननद श्वेता आती है तो वो अपनी भाभी को एक कोने में खड़ी देखती है, तो श्वेता अपनी भाभी से बोलती है, भाभी आप यहाँ क्या कर रही हो, माँ ने बताया ना आज आपकी पहली रसोई है, तो आप खाने में कुछ बना क्यों नहीं रही हो, या फिर इतना बड़ा घर देखकर आपका मुंह खुला का खुला रह गया। ननद जी हम तो यहाँ पर खाना बनाने ही आए थे, लेकिन हम कौन, तुम्हारे साथ साथ यहाँ और भी चार पांच लोग आए हैं क्या। नहीं तो हमारे साथ तो यहाँ और कोई भी नहीं है। ओ तो ये हम बोल रही है, भाभी आप अकेली आई हो तो मैं बोलो ना। हमको आदत है ना, हम गांव में भी ऐसे ही बोलते थे। भाभी अब आप गांव में नहीं हो, अब आप शहर में रह रही हो, तो शहर के तौर तरीके सीख लो ना। हम कल ही तो यहाँ ब्याह करके आए हैं और आप बोल रही हो कि तौर तरीके सीखो। इतनी जल्दी तो हमने पैदा होने के बाद बोलना भी नहीं सीखा था, जितनी जल्दी आप यहाँ के तौर तरीके सीखने के लिए बोल रही हैं। मुझसे बहस करने से तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, लेकिन तौर तरीके क्या सीखने के लिए बोल दिया, बस बहस करने लग गई। बड़ा घर देखकर मन में लालच आ गया ना। नहीं ननद जी आप शहर वाली हो, और हर शहर वाले को तो यही लगता है कि गांव वाला लालची होता है, लेकिन ये झूठ है, गांव वालों का शहर वालों से ज्यादा बड़ा दिल होता है। भाभी आप मुझे ज्ञान तो दो मत, क्योंकि मुझे अब आपसे कुछ भी सीखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, और आपकी आज पहली रसोई है तो आप अपनी पहली रसोई पर ध्यान दो ना, मुझ पर नहीं। अब क्या हुआ, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी तुम, लेकिन देखो एक इंडक्शन चूल्हा जलाना नहीं आता। देखो और मेरी बात कान खोल कर सुनो, मैं सिर्फ एक बार ही बताऊंगी, सीख लो, बार बार नहीं बताने वाली मैं। श्वेता अपनी भाभी को इंडक्शन चूल्हा कैसे इस्तेमाल करते हैं वो बताती है और अपने काम में लग जाती है। श्वेता को अपनी गांव की भाभी बिल्कुल पसंद नहीं थी,
वो हमेशा अपनी भाभी को गांव की गवार बताकर उसका मजाक बनाती रहती थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन शांति अपने घर के सारे गंदे कपड़े, पर्दे, चादर सब हाथ से धो रही होती है। तभी वहाँ श्वेता एक बहुत छोटी सी ड्रेस में अपने दोस्त निखिल के साथ आती है और शांति को हॉल में कपड़े धोते देख शर्मिंदा होने लगती है। तभी निखिल बोलता है, अरे श्वेता ये कौन है और तुम्हारे घर में एक वॉशिंग मशीन नहीं है? क्या तुम अपने घर के नौकरों को हॉल में कपड़े धोने के लिए बोलती हो क्या? अरे ओ शहरी बाबू, हमको गांव की गवार समझकर कुछ भी मत बको। अभी अपनी गांव पे आ गए ना हम, तो कच्चा बनियान सब उतार देंगे, नंगा घर जाना पड़ेगा तुमको। ये क्या बदतमीजी है श्वेता, तुम यहाँ मेरी इंसल्ट करवाने के लिए लेकर आई थी क्या? और वो भी अपने घर के नौकरों से। मुझे यहाँ नहीं रहना है, अभी जा रहा हूँ, अब तुम मुझसे कभी बात मत करना। हाँ हाँ जाओ ना, रोका किसने है। और नैना जी, आप क्या ये तौलिया पहनकर हर जगह घूम रही हो? घर में और कपड़े नहीं है क्या आपके? आपको ऐसे कपड़े में देखकर इन कुकुर जैसे लड़के आगे पीछे घूमते हैं। श्वेता बहुत हो रहा है अब, मुझे नहीं पता था कि तुम अपने घर के नौकरों से भी डरती हो। ये बार बार हमको नौकर का है बोल रहा है, अभी गमछा पकड़ा देंगे तुमको और पूरे मोहल्ले का कूड़ा साफ करवाएंगे, तब पता चलेगा तुमको कि तुमने किस गंगा किनारे वाले शांति से पंगा लिए है। बस भाभी, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि घर में मेरा दोस्त आया है? अरे मेरे आगे ना सही, कम से कम ये तो देख लेती कि आप किसके आगे और क्या बोल रही हो, गवार कहीं की। ये तुम्हारी भाभी है? श्वेता तुम्हें तो एक एंटिक पीस मिला है, और वो भी गंगा किनारे वाली शांति भाभी। मिल गई तसल्ली आपको, करवा दी मेरी बेइज्जती, वो भी मेरे ही बॉयफ्रेंड के आगे। अरे नन्ना जी, आप इतना गुस्सा काहे कर रही हो? हमने इतना तो कुछ गुनाह या असला बारूद की तस्करी तो की भी नहीं है, जितना आप हम पर खून जला रही हो। अपनी भाभी की इस हरकत से श्वेता को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। शांति को समझ तो आ रहा था कि उसकी ननद उसे पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी वो काफी कोशिश करती है कि उसकी ननद उसे पसंद करे। कई दिन निकल जाते हैं। ऐसे ही एक दिन शांति अपने सास आस्था के साथ बाजार से घर वापस आती है तो दरवाजा काफी देर से खटखटा रही होती है, लेकिन श्वेता दरवाजा नहीं खोलती। तो आस्था शांति से बोलती है, बहू ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है और श्वेता दरवाजा ही ना खोले। माँ जी, हमको भी यही लग रहा है कि कोई बात तो जरूर है। तो अब हम क्या करें, दरवाजा कैसे खोले, खिड़की भी इतनी ऊपर है। माँ जी हम है ना गांव से हैं हम, और खिड़की ऊपर है तो क्या हम डर जाएंगे? आप रुकिए, हम अभी खिड़की से अंदर जाते हैं। शांति खिड़की से अंदर जाती है तो देखती है कि श्वेता का बॉयफ्रेंड निखिल उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। यह देखकर शांति उसके पीछे से एक डंडा मारती है जिसे निखिल बेहोश हो जाता है। दरवाजा खोलती है और आस्था भी अंदर आ जाती है। बेहोश निखिल को देखकर आस्था बोलती है, ये तो श्वेता तेरा दोस्त है ना, ये नीचे बेहोश क्यों पड़ा है और तू दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? माँ, माँ निखिल मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था, मैंने हमेशा सबके आगे अपनी भाभी को बेइज्जत किया, लेकिन आज भाभी की वजह से ही मेरी इज्जत पर कोई हाँच नहीं आई। हमको तो शुरू से ही ये कुकुर ठीक नहीं लग रहा था, अब गंगा किनारे वाली शांति का झापड़ पड़ेगा ना तो लड़की की इज्जत पर हाथ डालना तो दूर, नजर उठाकर भी नहीं देखेगा। शांति निखिल को अच्छे से सबक सिखाती है और श्वेता को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद श्वेता अपनी भाभी की इज्जत करने लगती है। पायल की एक छोटी सी पकौड़ों की दुकान थी। सभी को पायल के हाथ के पकौड़े बहुत पसंद थे। कई लोग शादियों व त्योहारों में पायल को केटरर का काम दिया करते। होली करीब आने को थी और एक रणवीर नाम का आदमी पायल की छोटी सी पकौड़ों की दुकान पर आकर कहता है, और कैसी है पायल? अरे रणवीर भाई, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं और आज कैसे आना हुआ इस गरीब पकौड़े वाले की दुकान पर? ऐसा नहीं है पायल, आज तुझे एक बड़ा काम देने आया हूँ, अगर तूने वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया तो तेरी किस्मत बदल जाएगी। अच्छा भैया, ऐसा क्या काम है, जल्दी बताओ। देख पायल, होली करीब है तो तुझे एक बड़ी पार्टी के लिए स्पेशल पकौड़े बनाने हैं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए और अच्छे पैसे मिलेंगे, समझी? अरे आप इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं सब संभाल लूंगी, आप बस ये बताओ काम कब करना है। होली के दिन सुबह सुबह जाना है। ठीक है भैया, मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर रणवीर वहां से चला जाता है और पायल बहुत खुश होती है।
कि अब उसे एक अच्छा काम मिलेगा और यूं छोटी सी दुकान में पकोड़े नहीं बेचने पड़ेंगे। होली का दिन करीब आ गया था और पायल पार्टी के लिए पकोड़े बनाने के लिए वहाँ पहुँचती है और वहाँ रणवीर पायल से कहता है, सुन पायल, तुझे दो तरह के पकोड़े बनाने हैं, एक जिनमें भांग मिलानी है और एक में भांग ना मिली हो, ठीक है? थोड़ी भी गलती ना हो पाए। भैया आप बेफिक्र होकर जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। अब पायल सभी के लिए पकोड़े बनाना शुरू करती है और एक तरफ भांग वाले पकोड़े और दूसरी तरफ बिना भांग वाले पकोड़े बनाती है। और जैसे ही सारे पकोड़े बनकर तैयार होते हैं तो वहाँ के वेटर को बुला कर कहती है, सुनो मैं तुम्हें इस ट्रे में पकोड़े रख कर दे रही हूँ, एक तरफ भांग के पकोड़े हैं और दूसरी तरफ बिना भांग के पकोड़े हैं। ध्यान से काम करना, इन्हें आपस में मिला मत देना। ठीक है मैडम, मैं ऐसा ही करूँगा। इतना कहने के बाद पायल उस वेटर को दोनों तरह के पकोड़े ट्रे में रख कर दे देती है और वेटर उन पकोड़ों को लेकर पार्टी में जा ही रहा था कि तभी वो किसी से टकरा जाता है और सारे पकोड़े आपस में मिक्स हो जाते हैं। और वेटर इस बात पर ध्यान दिए बिना कि कुछ पकोड़े भांग के हैं और कुछ बिना भांग के, पार्टी में आए लोगों को उन्हें सर्व करता है और पकोड़े खाने के बाद सब लोग अजीब हरकतें करने लगते हैं। सभी को भांग का नशा हो जाता है। ये देखकर रणवीर भागा भागा गुस्से में पायल के पास जाकर कहता है, पायल मैंने कहा था ना कोई गलती नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी तूने गलती कर ही दी। क्या हुआ भैया, क्या गलती हो गई कोई मुझसे? बोल तो ऐसे ही रही है जैसे नहीं मालूम कुछ भी। भैया आप क्या कह रहे हो, मुझे सच में नहीं मालूम, साफ साफ बताओ क्या बात है। बाहर जाकर देख तेरे भांग वाले पकौड़ों की वजह से क्या बवाल हुआ है। रणवीर की बात सुनकर पायल बाहर जाती है और देखती है कि सभी लोग भांग के नशे में झूम रहे हैं, तो कुछ लोग वहाँ उल्टियाँ मार रहे हैं। ये देखकर पायल कहती है, ये सब कैसे हुआ? तुझे अब भी नहीं पता ये सब कैसे हुआ है? तेरे उन भांग वाले पकौड़ों की वजह से हुआ है ये सब। भैया मैंने वेटर को अलग अलग करके पकौड़े दिए थे, ये सब कैसे हुआ मुझे नहीं पता, मैं सच कह रही हूँ। देख पायल, मुझे नहीं पता गलती किसकी है, पर अब तुझे ये लोग बहुत कुछ बोलने वाले हैं। भैया मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे नहीं पता, पर अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तू है, मैं तो चला। इतना कहकर रणवीर पायल को वहाँ अकेला छोड़कर चला जाता है और पायल वहीं रोने लगती है। तभी वहाँ पर पार्टी का कॉन्ट्रैक्टर आता है और पायल को बहुत बुरा भला कहकर उसे ये धमकी देता है कि वो गरीब है इसलिए छोड़ दिया, वरना उसे जेल करवा देता। और फिर पायल को ये सब कहकर निकल जाता है। उस दिन के बाद से सबको इस बात की खबर हो जाती है कि पायल ने पार्टी में सबको भांग के पकोड़े खिलाए थे, जिसके बाद कोई भी पायल की दुकान से पकोड़े नहीं खरीदता और बेचारी पायल हर वक्त दुखी और कर्जदार हो जाती है। मोहल्ले के सभी लोग पायल को ताने मारने लगते हैं और इस वजह से पायल को कुछ समझ नहीं आता कि वो आगे क्या करे। तभी एक दिन एक लड़का पायल की पकोड़ों की दुकान पर आकर कहता है, क्या पायल है? हाँ बताओ क्या हुआ। मैंने सुना था कि आपने एक होली पार्टी में सभी को भांग के पकोड़े बनाकर खिला दिए थे। दफा हो जाओ यहाँ से, यहाँ पर बहुत लोग हैं यही सब कहने वाले, समझे तुम? पर मैं उन सभी की तरह तुम्हें ताने नहीं देने आया। तो फिर तुम यहाँ करने के आए हो? देखो मुझे पता है अभी तुम बहुत मुश्किल में हो और तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है। तुम्हें काम क्या है ये बताओ। मैं सीधा काम की बात पर आता हूँ, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए और उसके बदले तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। पर मैं ये सब काम नहीं करती, तुम मुझे गलत लड़की समझ रहे हो। नहीं मैं बिल्कुल सही जगह आया हूँ और मेरा ये काम तुम ही कर सकती हो। क्या काम है जो सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ? तुम्हें मेरे लिए कुछ पकौड़े बनाने हैं, वो भी नशे के, जैसे तुमने होली पार्टी में बनाए थे। पर वो मैंने जानकर नहीं किया था, अब मैं भांग के पकौड़े नहीं बनाती। एक आखिरी बार बना दो मेरे लिए, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। पर तुम्हें ये पकौड़े क्यों चाहिए? अब राहुल पायल को भांग के पकौड़े बनवाने के पीछे की वजह बताता है कि राहुल कॉलेज में एक लड़की आशा से बहुत प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, पर लड़की ने राहुल को धोखा दिया और अब वो लड़की किसी और से शादी करने वाली है और उसकी शादी रोकने के लिए वो ये सब करना चाहता है ताकि राहुल भांग के पकोड़े उस लड़की को खिलाकर बेहोश कर दे, जिससे कि उसकी प्रेमिका शादी करने वाली थी वो शादी रुक जाए और उस लड़के को सब सच बता दे कि जिस लड़की से वो शादी करना चाहता था वो लड़की धोखेबाज है और पैसों के लिए उससे शादी कर रही है।
राहुल की ये सब बात सुनकर पायल कहती है, ठीक है, तुम्हारा इरादा गलत नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगी। थैंक यू सो मच पायल। काम कब करना है ये बताओ। राहुल पायल को सब समझाता है और बता देता है कि कैसे और कब बनाने हैं भांग के पकौड़े। पायल राहुल की बात मान जाती है और कुछ दिनों बाद राहुल पायल के पास आता है और पायल नशे वाले पकौड़े बनाकर राहुल को देती है। राहुल पायल को उन पकौड़ों के बदले पैसे दे देता है और पायल अगले ही दिन सारा कर्ज चुकाकर कहती है, चाहे जैसे भी हुआ पर अब मेरा सारा कर्जा खत्म हो चुका है। अब जो पैसे बचे हैं उनसे मैं अपने पकौड़े की एक छोटी सी दुकान को बड़ा कर लूँगी। इसी से मैं अपनी गरीबी दूर करूँगी। पायल अपनी छोटी सी दुकान को बड़ा करने के लिए एक नए मोहल्ले में अगले दिन दुकान देखने जाती है, जहाँ कुछ लोग एक अर्थी को कंधा दे रहे थे। ये देख कर पायल उन्हीं लोगों में मौजूद एक आदमी से पूछती है कि आखिर क्या हुआ। तब उसे पता चलता है कि एक आशा नाम की लड़की जिसकी कल शादी थी उसको किसी राहुल नाम के लड़के ने नशीले पकोड़े खिलाकर बेहोश किया, फिर उसके साथ बदसलूकी की और बाद में बदनामी के डर से लड़की ने आत्महत्या कर ली। हालांकि लड़के को पकड़ लिया गया है, लेकिन अब लड़की के बूढ़े माँ और बाप अपनी एकलौती संतान के मरने के बाद अकेले रह गए हैं। ये सुनकर पायल को एक झटका लगता है और वो खुद से कहती है, हे भगवान, यानी राहुल मुझसे झूठ बोल रहा था, वो लड़की उसे धोखा दे रही है और वो नशे के पकोड़े राहुल उसके होने वाले पति को खिलाएगा। ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मैंने गलत इंसान का साथ देकर किसी की जान ले ली, अब मैं क्या करूं? पायल उसी वक्त सब कुछ छोड़कर सीधा उस लड़की के घर उसके माँ बाप को देखने जाती है, तो वो दोनों एक तरफ बैठकर रो रहे थे, जिन्हें देखकर पायल भी रोने लगती है और रोती हुई घर वापस आकर सोचती है, मैंने ही उन दोनों से उनकी इकलौती बेटी छीन ली, अब मैं ही उनकी मदद करूंगी। मुझे ये पैसा ये बड़ी दुकान नहीं चाहिए, मैं अब अपनी मेहनत से पकौड़े बनाकर बेचा करूंगी और उन दोनों गरीब लोगों की मदद करूंगी। उन्हें इस बारे में कभी पता नहीं चलने दूंगी कि ये सब मेरी वजह से हुआ, वरना वो तो मुझसे नफरत करने लगेंगे। इतना कहकर अब पायल पूरी मेहनत के साथ काम करके पकौड़े बेचा करती और उस लड़की के माँ बाप को बिना बताए हर महीने सारे पैसे उनके घर के दरवाजे पर बेल बजाकर रखा दी और खुद वहाँ से चली जाती। और उस लड़की के माँ बाप पायल को बहुत दुआएं दिया करते। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।